हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फर्स्ट। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 40 यानी कि एनिमल्स हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके आप टोटल 3 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें आपको मैंने ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया था, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर और फिर टैम एनिमल्स यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इन सब के बारे में बता दिया था और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए थे। आज बारी है इसके एक्सरसाइज की, जो कि आपके सामने है, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। तो आइए देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। शॉर्ट में क्विक रिकैप। क्विक रिकैप का मतलब है कि हम एक बार फिर से नज़र डालते हैं, फास्ट कम टाइम में पूरा चैप्टर देखेंगे एक बार। एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर, यानी एनिमल्स हमें ज़मीन पर भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे और हमें उड़ने वाले भी मिलेंगे, यानी होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइव ऑन और नियर आवर होम्स, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे घरों में या फिर हमारे घरों के आसपास बाड़े में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स, और जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल में। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, और जो कीड़े होते हैं इंसेक्ट्स, वो बहुत ही छोटे एनिमल होते हैं। अब एक्सरसाइज ए, टिक राइट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट बर्ड्स कैन ब्लैंक, ज़्यादातर बर्ड्स क्या कर सकते हैं? स्विम, वॉक या फ्लाई? तो फ्लाई, सिंपल सी बात है, बर्ड्स ही तो फ्लाई करते हैं, तो ये फ्लाई टिक लगाना है ये पे और यहाँ पे लिखना है फ्लाई। नंबर टू, ब्लैंक आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, कौन से एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं? बर्ड्स, इंसेक्ट्स या एनिमल्स? तो आंसर है इंसेक्ट्स, तो यहाँ पे लिख देना इंसेक्ट्स। नंबर थ्री, डोमेस्टिक एनिमल्स लाइव इन और नियर आवर स्कूल, होम्स या हॉस्पिटल्स? तो आंसर है होम्स, हमारे घरों के आसपास या घरों में रहते हैं। कैट एंड डॉग आर ब्लैंक एनिमल, यानी कि बिल्ली और कुत्ते ये कौन सा एनिमल है? जिनको हम प्यार से पालते हैं, उनके साथ खेलते हैं, टाइम पास भी होता है हमारा, तो वो है पेट एनिमल। नंबर फाइव, वाटर एनिमल्स लिव इन, वाटर एनिमल कहाँ रहते हैं? वाटर में, लैंड में या फिर एयर में? तो आंसर है वाटर में। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज बी, टिक राइट द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अ काउ गिव्स अस मिल्क, यानी गाय हमें क्या देती हैं? दूध देती हैं, क्या ये सही है? तो यस, तो यहाँ लिखेंगे राइट। और रैबिट इज़ नॉट अ पेट एनिमल, रैबिट पेट एनिमल नहीं है, गलत है, ये पेट एनिमल ही तो है वो, तो क्रॉस। फिर है अ हॉर्स कैरीज लोड फॉर अस, हॉर्स हमारे लिए वजन उठाता है, बोझ ढोता है, तो यस। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, तो यस। इंसेक्ट्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, गलत, हर जगह मिलते हैं ना वो, तो मक्खियाँ, मच्छर, ग्रास हॉपर्स वगैरह, तो रॉन्ग, यानी कि फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग, फिर राइट, राइट एंड रॉन्ग। ओके, आपको ये सारे आंसर जो मैंने बताए हैं अपनी बुक में फिल करने हैं और मैंने भी आपके लिए फिल करके रखे हैं, ये देखिए आपके सामने। आप डायरेक्ट इनसे कॉपी भी कर सकते हो, क्योंकि आपका होमवर्क इनको अपनी बुक में फिल करना नहीं बल्कि इनको लर्न करना है। तो फर्स्ट तो आप इसको अपनी बुक में फिल करेंगे, देखिए बिल्कुल मेरी तरह, फर्स्ट फ्लाई, सेकंड इंसेक्ट्स, थर्ड में होम्स, फोर्थ में पेट एंड फिफ्थ में वाटर, और फिर राइट रॉन्ग, राइट राइट रॉन्ग, ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। और उसके बाद टोटल 3 टाइम्स आपको ए एंड बी एक्सरसाइज को रीड करना है, जिससे आपको ये पूरी अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी और इससे आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।